हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रियंका। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाऊंगी टूटी फ्रूटी, जो बाज़ार में भी इजीली अवेलेबल है और घर में भी आप इसे बहुत ही अच्छे से और किफ़ायती में बना सकते हैं। और आपको ये पता होता है कि आप इसमें क्या डाल रहे हो और कौन सा फ्लेवर डाल रहे हो, जो कि आपको बाज़ार में नहीं मिलेगी। और मेरी ये रेसिपीज़ आपको पसंद आते हो तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अपना कमेंट भी दीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे दी गई सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं ये रॉ पपाया ले लिया है, यानी कि कच्चे पपीता। अब इसका स्किन जो है वो रिमूव करके मैं इसे छोटे छोटे टुकड़े में काट लूँगी। ये देखिए, पपाया को मैंने ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। इस उबालते हुए पानी में मैं इस पपीते के टुकड़े को डाल दूंगी और 3 मिनट तक इसको ऐसे ही हाई फ्लेम पर उबालनी है। 3 मिनट के बाद स्विच ऑफ करके इसको अच्छी तरह से स्ट्रेन कर लेनी है। 3 मिनट हो चुके हैं, अब मैं गैस ऑफ कर दूंगी और इसको स्ट्रेन कर लूंगी। अब इसको मैं साइड पे रख दूंगी। यहाँ पे मैंने 1/2 कप पानी बैठा दिया है गर्म होने के लिए, और साथ में डाल दूंगी 150 ग्राम शुगर। शुगर को इसमें अच्छी तरह से मेल्ट कर लेनी है। शुगर यहाँ पर मेल्ट हो चुके हैं, अब मैं इसमें पपीता ऐड कर दूंगी। इन सारे चीज़ों को अच्छी तरह से चलाते हुए साथ में एक बार फिर से बॉयल कर लेनी है। इस स्टेज में मैं डाल दूंगी यहाँ पर ये ऑरेंज एसेंस 1 टीस्पून। आप चाहे तो इसे बिना एसेंस के भी बना सकते हैं, या फिर कोई भी दूसरा वाला एसेंस आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। ये हो चुके हैं, अब मैं गैस को ऑफ़ कर देती हूँ। यहाँ पर मैंने 3 अलग अलग कटोरी में तीनों टाइप का फूड कलर ले लिया है। अब मैं इसको ऐसे निकाल के हर एक कटोरी में इसे डाल दूंगी। और इन सबको अच्छी तरह से कलर के साथ मिक्स कर दूंगी। और इसे 8 से 10 घंटे तक, यानी कि 8 to 10 hours ऐसे ही छोड़ देनी है, जब तक के ना ये कलर को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर ले। 8 घंटे हो चुके हैं, और अब मैं इन सब को एक एक करके इसमें स्ट्रेन कर दूंगी, ताकि इसमें जो एक्सेस शुगर सिरप है वो निकल जाए। अब इसे 10 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देनी है, और तब तक इसके जो शुगर सिरप है वो सारे इसमें से निकल जाएंगे, और बाकी सब को भी मैं ऐसे ही स्ट्रेन कर दूंगी। ये स्ट्रेन हो चुके हैं, अब इसको टिश्यू पेपर में एब्जॉर्ब कर देते हैं, ताकि टिश्यू पेपर जो है इसका जो एक्सेस मॉइस्चर है वो एब्जॉर्ब कर ले। और इसको ऐसे दबाते हुए अच्छी तरह से सोक करवा लेनी है। देखिए, ये देखिए बन गई है टूटी फ्रूटी। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिए, और कोई भी डेजर्ट आइटम में या फिर बेकिंग आइटम में इसका इस्तेमाल कीजिए। घर में टूटी फ्रूटी बनाने का एक फ़ायदा और ये होता है कि आप इसमें अपना मनचाहा फ्लेवर डाल सकते हैं, जो कि बाज़ार में आपको नहीं मिलेगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, फिर मिलते हैं। थैंक यू।